कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खासा सुर्खियों में हैं। बागेश्वर धाम की सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में अब किन्नर समाज भी उतर आया है। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया है। इसमें उन्होंने बागेश्वर महाराज का खुलकर समर्थन किया है। देश की एकमात्र किन्नर महामंडलेश्वर हिमांशी सखी ने कहा कि वे सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में किन्नर समाज बागेश्वर धाम के लिए तन मन धन से समर्पित है और पूर्ण सहयोग देते हुए हर विपरीत परिस्थितियों में निपटने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया में उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि नमस्कार, मैं किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ समर्थन में पूरी तरह से हूँ। हमारा पूरा किन्नर समाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ है और उन्होंने जो अपील की है पूरे भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो उसके लिए मैं तन मन धन से पूरा नेछावर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हूँ। पूरा समाज साथ में है। जितनी बार उनके ऊपर जो उलाहने उठे हैं, जो ढोंग और पाखंड के उलाने उठे हैं, मैं उनको भी आप चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि जब आप सनातन धर्म और सनातनों पे सनातनियों पे उंगली उठा रहे हैं, तो उससे पहले अपने भी गिरेबान में झांक के देखें कि आप किस पे उंगली उठा रहे हैं। आप अगर सनातन धर्म के धर्माचार्यों को पाखंड कहते हैं, तो आप ये बात जान लें कि कैथलिक और क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी क्या क्या पाखंड हो रहा है, पहले उसके ऊपर विचार करें। हमारे सनातन धर्म में कभी पाखंड नहीं होता है और शक्तियां इस पृथ्वी पे है और रहती है और संतों के माध्यम से वो शक्तियां समाज का कल्याण करती है और उन शक्तियों के माध्यम से हम ये घोषणा करते हैं, आज एक शंख नाद करते हैं कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए चाहे हमारी जान का नेछावर भी क्यों ना करना पड़े, हम करने को तैयार है। इसीलिए हम बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आज अपना पुत्र मानते हुए मैं उनके साथ, हमारा पूरा किन्नर समाज उनके साथ हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलके चलने को पूर्णता तत्पर है। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ, जय मेरे बिहारी जी की, हर हर महादेव।